अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन एच सी एफ इन स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज है 5.6, क्वेश्चन है डिसॉल्व इन टू फैक्टर्स। आज इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को हम एक बार इसी तरह से उतार लेंगे। ए फोर बी फोर सी स्क्वायर प्लस बी फोर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी फोर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए फोर बी फोर, तो फिर हो जाएगा माइनस ए फोर सी स्क्वायर प्लस बी फोर सी स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस बी फोर ए स्क्वायर प्लस सी फोर ए स्क्वायर माइनस सी फोर बी स्क्वायर। अब कनेक्ट करेंगे टर्म्स को, तो टर्म्स कनेक्ट करेंगे हम फर्स्ट एंड फोर्थ, सेकेंड एंड थर्ड और फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए यहाँ पर हम कर देंगे ए फोर बी फोर, और फोर्थ टर्म में हमारे पास माइनस बी फोर और ए स्क्वायर, ठीक है। फिर सेकेंड एंड थर्ड ए फोर सी स्क्वायर प्लस बी फोर सी स्क्वायर, फिर लास्ट फिफ्थ एंड सिक्स सी फोर ए स्क्वायर माइनस सी फोर बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे, तो कॉमन ले लेंगे हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे कॉमन लेंगे माइनस सी स्क्वायर, तो अंदर रह जाएगा ए फोर माइनस बी फोर। फिर आगे कॉमन लेंगे प्लस सी फोर, तो अंदर रह जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी तरह से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी इसी तरह से, माइनस सी स्क्वायर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ए फोर माइनस बी फोर है तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस सी फोर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी तरह से। तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अंदर आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के साथ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और फिर प्लस सी फोर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी तरह से रहा, अंदर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसी तरह से रहा, माइनस सी स्क्वायर जब ए स्क्वायर से होगा तो हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी फोर। इसके बाद ये खुल जाएगा तो ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। अब यहाँ पर हम अंदर कॉमन लेंगे ए स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर माइनस सी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी और a प्लस बी इसी तरह से रहा, अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा ए माइनस बी ए प्लस बी, आगे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पर फार्मूला अप्लाई होगा तो ये बी माइनस सी बी प्लस सी और ए माइनस सी और ए प्लस सी आंसर। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और ईजी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चन के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।